बुलंद पढ़ लीजिए सारे आले अतहार के इस्तकबाल के लिए, सल्ले अला मुहम्मद व आले अतहार के इस्तकबाल के लिए, बिलखसूस शहजादी कौनैन के इस्तकबाल के लिए, इमाम जमा की खुशनूदी के लिए, मजलिस की मकबूलियत के लिए, किबला मौलाना अल्ताफ हुसैन साहब की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इलाम नासिर अब्बास सब दिगर उलमा जाकरीन शौदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए सारे हजरा आले मोहम्मद का वो अजीम और करीम अल्लाह जिसके नूर के आधे हिस्से को मोहम्मद और आधे को अली कहते हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस एजाम हाजरी कादर अजीम अता फरमाए और वाजिबुल एहतराम जी वकार इज्जत मुआब मौलाना अल्ताफ हुसैन मेलसी साहब के इस सफ़े अज़ाब को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, उनके रिज़्क इज्जत बख्त में इजाफा फरमाए, मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, मेरे भाई राना मून अली इमरान जाफरी साहब दीगर दोस्त अहबाब मौला सबकी इज्जतों में इजाफा फरमाए, खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम है, खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए, जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़िए सारे हजरात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाल। बस वक्त जाया किए बगैर कोई तमहीद ज्यादा लंबी चौड़ी इस वक्त वक्त ही नहीं है, मेरे बाद मेरे वाजिबुल एहतराम इज्जत माब जी वकार मौला के मंजूर नजर और मुजाहिद मिल्लत जाफरिया यकीनन उसके उनके पास सनद है इस वक्त कि उन्होंने मौला की विलायत के लिए असीरी काटी है और वो सनद बख्शिश का सामान है इस जहान में भी और अगले जहान में भी। मेरी मुराद मेरे भाई हबीब रजा हैदरी साहब हैं, वो यकीनन मेरे बाद खिताब फरमाएंगे, लेकिन दो चार जुमले बस यूं समझ लीजिए कि अपने भाई के लिए मैं उनकी इस मेहनत की कबूलियत के लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मैंने कुरान मजीद से नात का एक टुकड़ा पढ़ा है इसलिए कि नात वो पढ़ रहा है जिसे नात पढ़ने का हक है, नहीं अल्लाह आले मोहम्मद सलामत रखे अगर शेखुपुरा में भी जुमला समझा के पढ़ना पड़ेगा तो फिर यहाँ पढ़ने का फायदा कोई नहीं है। नात उसने पढ़ी है, बंदे नात पढ़ते हैं, मुझसे पहले भी वाजिबुल एहतराम पढ़ रहे थे वो इकरार भी कर रहे थे, नात उसने पढ़ी है जिसे नात पढ़ने का हक है, बंदे नात पढ़ते हैं, नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को और नात पढ़ के वो तारीफें करते हैं। शिया मजहब से लोगों को एतराज ये है कि शिया नात नहीं पढ़ते मोहम्मद मुस्तफ़ा की, मैंने कहा पहले नात का मतलब समझो, नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को और नबी हमें वो मिला है कि जिसकी नात पढ़ना किसी बशर की कुदरत नहीं है, अल्लाह का नबी वो है कि जिसकी नात पढ़ने के लिए या अल्लाह का कुरान होना चाहिए या हैदर की ज़बान होना चाहिए। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे, जिन्हें बात समझ में आ गई, इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, बस दो से चार मिनट की हाजिरी और आपके दामन में मैंने दो चार जुमले डाले हैं, या अल्लाह का कुरान हो या हैदर की जबान हो, दुनिया को छोड़ो जो अभी भी रबीउल अव्वल में उनसे पूछो तो हसीन कौन है, कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़ने के बाद भी उन्हें हुस्ने यूसुफ याद आ जाता है। मैंने एक अकीदतमंद को देखा, उसने कहा जी हुजूर के पास हजरत यूसुफ का हुस्न था, मैंने कहा बेवकूफो कभी मालिकों ने भी नौकरों की चीजें इस्तेमाल की है। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है शेखुपुरा में अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, जिसे बोलना था नहीं नहीं, जो बंदा ये कहता है जिस बंदे को ये वहम है कि हुजूर के पास हजरत यूसुफ का हुस्न था, जो बंदा अभी तक जुमले पे नहीं बोला वो इशारे पे बोलेगा, हबीब रजा हैदरी साहब से लेकर राना मून से लेकर आखिरी आदमी तक सिर्फ इशारा करूंगा पता लगेगा शिया नात कैसे पढ़ते हैं। जो कहता है हुजूर के पास यूसुफ का हुस्न था, मोहम्मद मुस्तफा सरदार है, यूसुफ रैयत है, मेरा मोहम्मद ऐसे करे तो कई यूसुफ, शाबाश शाबाश। जिस बंदे को बात समझ में आई है अभी भी अगर नहीं तो इन दोनों के हुस्न का तकाबुल करने से पहले सिर्फ इतना सोचा कर जिस पे खाली सुलेखा आशिक हो जाओ उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे खुद अल्लाह आशिक हो मोहम्मद मुस्तफा।
उसकी रगों में है विलायत। वो बोले मेरे साथ तवज्जो है कि नहीं हजरत, बस एक मिनट की हाजिरी बाकी है, एक मिनट की किबला। और हमसे दुनिया जी आप नबी नबी कम करते हैं और अली अली ज्यादा करते हैं। मैंने कहा बेवकूफो, हम अली अली करते ही इसलिए ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। जी आप अली को बढ़ा देते हैं और नबी को कम करते हैं। मैंने कहा तेरी मजबूरी है इसलिए कि तू नबी सुनता है अपनी मस्जिद से, अली सुनता है हमारी मजलिस से। वहां जिबरील पढ़ा रहा होता है, यहां अली से डांट खा रहा होता है। नहीं, किताबों में लिखा हुआ है कि तीन दिन तक अबू से तो नबी घटा हुआ ही लगेगा ना, जो ये पड़ेगा कि तीन दिन तक जिब्राइल आके गारे हीरा में नूर की झलकियां देते रहे ताकि रसूल अल्लाह मेरे नूर की ताब ला सके। तीन दिन तक वो एकदम आगे नहीं आया, तीन दिन तक यानी एक दिन आया थोड़ी सी झलकी दी, दूसरे दिन आया फिर झलकी दी, तीसरे दिन आया फिर झलकी दे के चला गया। मैंने कहा तू अपना नूरी फरिश्ता संभाल, मेरे साथ जरा मेराज के सफर पे चल, मैं तेरे जिब्रील के नूर की औकात बता देता हूँ। फिर गिला न करना कि शिया नबी को कैसे मानते हैं। तू आ सिदरतुल मुंतहा पे, एक जगह ऐसी आई जहां मोहम्मद मुस्तफा ने आके कहा जिब्रील मेरे साथ आगे चलेगा, कहते तेरी नबूवत की कसम एक पोरा भी आगे गया तो जल जाऊंगा। तो गैरतमंद बन के यही फैसला करना, जहां तेरा नूरी फरिश्ता चलने से डर रहा था वहां मेरा मुस्तफा जूती पहन के चल रहा था। शाबाश शाबाश शिया का, नहीं नहीं जिसकी रगों में वो बोलेगा हैदरी। तूने समझाई आपका अकीदा रिसालत। आज तुझे शियों के मिंबर से बताऊं, हम नबी को मानते क्या है, अली को क्या मानते। बस बात खत्म हो गई, इतना ही पढ़ना और अपने भाई को मिंबर दे लो। और ऐलान खुद कर रहा हूं, मेरे बाद असीर विलायत जाकिर अहले बैत मुजाहिद मिल्लत जाफरिया वाजिब उल एहतराम हबीब रजा हैदरी साहब पढ़े। नहीं, मेरी इज्जत करना मुझ पे वाजिब है उनकी, इसलिए कि मेरे दादा की विलायत के लिए जेल काटी है। तो आप मिंबर पे खड़े होकर उसकी इज्जत भी ना कर, तवज्जो है कि नहीं। जो ये बंदा कहते बात खत्म, क्या आपका अकीदा रिसालत कमजोर है, कम मानते। शेखपुरा के मिंबर पे फराज अदर काजमी जिम्मेदारी से कह रहा है, पूरी शियत की जबान बन के अपना अकीदा रिसालत सुनाने लगा है। सुनो सुनो सुनो, शियों का अकीदा रिसालत सुनो। हमारा अकीदा रिसालत, जिसका अकीदा मिलेगा मेरे साथ वो बोलेगा। हमारा अकीदा रिसालत यह है, जब कोई बच्चा हमारे घर में पैदा होकर परवान चढ़े, बाप उसको गोद में बिठा के अकीदा रिसालत समझाता है। अभी ब्रदर मास्टर जी, हमारा अकीदा रिसालत जो बच्चों को बताया जाता है, बाप कहते बेटा याद रखना अली अल्लाह का मुतलक वली है, अली जमीन पे अल्लाह का साया है, अली मुश्किल कुछ ऐसा जहाद है, अली मौला कायनात है, अली खुल के अव्वल है, अली इसके अव्वल है, अली हुस्न अव्वल है, अली अकले अव्वल है, अली पैगंबर का फारूक आजम है, अली गनी आलमीन है, अली सिद्दीक अकबर है, अली साहिब लिवाइल हमद है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, अली साकी कौसर है, अली कब्र में आएगा, अली कौसर पिलाएगा, पुल्ले सिरात पे पर्चियां देगा, अली ने टिकट दी तो बंदा पार जाएगा, अली ने टिकट ना दी तो कोई बंदा पार नहीं जाएगा, अली मालिक सलसबील है, अली नाशर अंबिया है, अली आदम की तौबा कबूल कराने वाला है, अली नूह की कश्ती पार लगाने वाला है, अली मूसा को तजल्लियां दिखाने वाला है, इब्राहिम की आग गुलजार बनाने वाला है, अली बाप को बेटे से मिलाने वाला है, अली मौला कंबर है, अली वालिश मिंबर है, अली मौला सलमान है, अली वारिश कुरान है, अली खैबर का मर्द है, अली खंदक का दलेर है, अली ओहद का मालिक है, अली बदर का फाते है, अली मरहब को चीरने वाला है, अली अब्दवाद का सर उड़ाने वाला है, अली फर्श पर बैठ
बैठकर अर्श पे हुकूमत करने वाला है, अली अर्श पर बैठ के फर्श पे हुकूमत करने वाला है, अली सिरात मुस्तकीम है, अली बाब खिता है, अली वलीउल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, अली वाजुल्लाह है, अली उदनुल्लाह है, अली यादुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है, अली असदुल्लाह है, अली काबे का काबा है, अली हसनैन का बाबा है, अली बतूल का शौहर है, अली काबे का गौहर है, अली वाल कमरे इजातलाह है, अली कमरे इमामत है, अली ने अंगूठी के बदले विलायत खरीदी है, अली ने नींद के बदले मर्जियां खरीदी है, अली की एक जर शक्लैन की इबादतों से अफजल है। अगर सारी दुनिया अली की मोहब्बत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम कभी खल्की ना करता। अली तकदीर का मालिक, अली तहरीर का मालिक, अली यौम दीन का मालिक, अली मैसर का जाज, अली काबे का हाज, अली वलियों की लाज, अली नबियों की सज, अली गरीब की कज है, अली वल कमरे इजातलाह है। अली ने बैद लगाया था, आदम सफीउल्लाह बना था, अली ने सन्नत दी थी, नू नजीउल्लाह बना था, अली ने दस्तखत किए थे, मूसा कलीमुल्लाह बना था। मेरा अकीदा रिसालत तुम्हारे साथ मिले तो मेरे साथ बोलना। हम अपने बच्चे को समझाते हैं, मेरा बच्चा याद रखना, कुरान सैयद है, अली तैयब है, कुरान सैयद है, अली ताहिर है, अली मौला है, अली आला है, अली हुदुल मुत्तकीन है, अली इमाम मुत्तकीन है, अली नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह है, अली फखर आले यासीन है, अली अल्लाह की वादा नियत की सनद है, अली फरजंद इमरान है, अली साकी कौसर है, अली ने सूरज की और सूरज को उंगली से पलटाया था, सितारा अली की दहलीज पे उतरा था, जमीन तुराब है, अली अबू तुराब है, अली हरामी हलाली की पहचान है। और अकीदा रिसालत ये है कि बच्चे को समझा के कहते हैं याद रखना, इतना बड़ा अली जिसकी जूतियां साफ करे उसे मोहम्मद है मुसलमान।